ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 2021 18 डॉट 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 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। मतलब ये हुआ कि इस एपी का जो आपको एपी दिया गया है, कौन सा एपी, 24 21 18 डॉट डॉट डॉट, इसमें का कै गो टर्म ले, कितना टर्म है, दो गोले कि तीन गोले कि दस गोले, ताकि जो सम आए जोड़ने पे वो 78 आ जाए, है ना। मैंने इस टर्म्स को सारे को जोड़ने पे 78 आ जाए, तो हमको नहीं मालूम है कि कितना टर्म लिया जाए, तो हम मान लेंगे कि लेट एन टर्म्स टू बी टेकन, एन टर्म्स टू बी टेकन, सो दैट सम इज 78। तो आप कह सकते हो इसलिए एस एन का वैल्यू जो होगा वो 78 होना चाहिए, समेशन का वैल्यू एन टर्म्स का समेशन लिए हो, है ना, लेट एन टर्म्स टू बी टेकन सो दैट सम इज 78। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होगा आपका, एन बाई टू, और ब्रैकेट में इसमें लिखोगे 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। एन को तो मालूम ही करना है, तो ये एन रहेगा ऐसे ही, और ए क्या होगा इस एपी का, फर्स्ट टर्म है 24 और कॉमन डिफरेंस क्या है आपका 21 माइनस 24, तो ये माइनस 3 होगा। तो आप यहाँ पे क्या रखोगे, 2 इंटू 24 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 3 और इज इक्वल टू 78। अब क्या करें, ये जो बाई 2 है ना, सबसे पहले उसको बराबर के उधर भेजो, और ये कितना हो जाएगा, ये 24 दुना 48, तो n इंटू 24 दुना के 48, और इसको गुना करो माइनस 3 को, माइनस 3 का इसमें गुना करो, तो ये माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस का 3, और ये हो जाएगा वो 2 इधर आएगा, तो 78 में 2 का गुना करो, तो 8 दुना के 16, 7 दुना के 14 और 1 15, सही है। अब यहाँ से क्या होगा, 48 और 3 को जोड़ेंगे तो 51 होगा, ठीक ना, तो n इंटू 51 माइनस 3n इज इक्वल टू 156। अब n का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करने आना चाहिए, उधर भेज देंगे 3n स्क्वायर को, 51n को भी उधर भेज देंगे, तो माइनस 51n, उधर प्लस में 156 है, इधर क्या बचा, 0, इस वाले इधर वाले 0 को हम यहाँ लिख सकते हैं, है ना, 3n स्क्वायर को भी हम उधर भेज दिए 156 के तरफ, 51n को भी भेज दिए, और 156 जहाँ था वहाँ है। क्या हम कह सकते हैं कि ये 3 इसमें कॉमन है, 3 इसमें कॉमन है जी, n स्क्वायर माइनस 3 एकम 3, 3 सात 21, ये 3n और प्लस 3 पाँच 15, 0 बराबर 0, ये 3 को हम उधर भेज सकते हैं क्योंकि 3 एक नंबर है, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 50 इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, बीच जोड़ या घटा के आपको 17 लाना है और गुना करके 50 लाना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको बना लीजिए, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या बोलता है, 50 का फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, 50 का फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, 25, और फिर आप ले जाओ 5 से, यानी कि 2 × 5 × 5, तो आप क्या कर सकते हो, हाँ अच्छा, ये 50 नहीं था, 56 था ना, 3 पचे 15 और 3 दुना 6 52 होगा, सही बात बोले, और 52 का क्या हो जाता है आपका, 2 × 2 × 13, 13 दुना 26, 26 दुना के 52,
तो अब 13 और 4 हो जाएगा ना, 13 और 4, तो 13 और 4 हो जाएगा, तो लिख दो कितना, एन स्क्वायर माइनस 13n और माइनस 4n और प्लस 52 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप n कॉमन ले लो, ये n माइनस 13 होगा, माइनस 4 कॉमन ले लो, ये n माइनस 13 × 52, तो यहाँ से आया दो वैल्यू n का, n का कै गो वैल्यू आया, 2 ठो, कैसे, एक n माइनस 13 कॉमन हो गया और इसमें क्या बचा, n माइनस 4 बचा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करने आना चाहिए, यहाँ से n माइनस 13 बराबर 0, यहाँ से n माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ से n का वैल्यू 13 आया और n का वैल्यू 4 आया। इसी क्वेश्चन में इसी n का दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है, दोनों वैल्यू लेंगे उसका सम 78 आएगा। इसमें ये बोलता है क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन द डबल आंसर। आर एस अग्रवाल में जाओगे तो बस इसी में क्या करेगा कि ये जो n का दो गो वैल्यू आया उसको एक्सप्लेन करिए कि कैसे दो गो आ गया। एक एपी का माने 4 गो टर्म भी सेलेक्ट करेंगे तो भी सम 78 आएगा, और n का अगर माने 13 गो इसका एपी का टर्म सेलेक्ट करेंगे तो भी 78 आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बढ़ जाना चाहिए या घट जाना चाहिए। हाँ तो यही बोलेंगे कि एपी जो है वो घटते जा रहा है, कॉमन डिफरेंस इसका निगेटिव है, तो जब कॉमन डिफरेंस निगेटिव है तो पहले तो वो जोड़ोगे तो सम बढ़ाएगा, पहले जब एपी के सम को जोड़ोगे तो वो क्या करेगा, अरे कुछ टर्म इसका पॉजिटिव है ना, ध्यान से देखो, तो वो शुरू में क्या होगा, बढ़ेगा, आगे जाके कुछ टर्म निगेटिव भी होगा, तो हो सकता है कि 4 गो टर्म जब हम लिए तो 18 के बाद क्या होगा बताओ, 18 के बाद 15 होगा ना। अब इतना टर्म लिए तो सम मान लो जोड़ेंगे तो 78 आया, जोड़ के देख लो आएगा, और उसके बाद 15 के बाद क्या आया है हमारा, 15 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद जल्दी जल्दी बोलो, 9 के बाद क्या आएगा, 9 के बाद क्या आएगा, 9 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 0 आएगा, 0 के बाद -3 फिर -6 फिर -9 और फिर -12 आएगा। अब जरा सोचो कि अगर तुम इतना टर्म लिए थे तो ये 4 गो टर्म कहलाया, और अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक टर्म लिए थे तो कै गो कहलाया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कहलाया, जो कि वैल्यू आया हुआ है। तो जरा सोचो कि 13 टर्म भी लोगे और जोड़ोगे तो सम 78 ही नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 4 गो टर्म लिए मान के चलो तो 78 आया, जोड़ के देखोगे तो आएगा, जोड़ के देखोगे तो आएगा। अब ये 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 9 से 9 जुटेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 में -6 जुटेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 में -3 जुटेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब कुछ टर्म आगे लिए तो कुछ सम का आया प्लस में और कुछ आया माइनस में, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके अपने सम को, अपने एडिशन को 78 मैनेज किया रहेगा। लेकिन एन का टर्म तो बढ़ गया, नंबर ऑफ टर्म्स तो बढ़ गया, तो यहाँ पे हमको रीजन देना पड़ता है कि क्या है डबल आंसर आ रहा है, तो उसका रीजन क्या देंगे, लिखेंगे कि हियर कॉमन डिफरेंस विल बी या कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव डी इज इक्वल टू -3, देन सो सम ऑफ पॉजिटिव टर्म्स
sum of positive terms and negative terms, sum of, ऐसे लिखो, sum of some positive terms, sum of some positive terms, sum माने कुछ, ये ऐसे लिख लेना यहाँ पे, sum of some positive terms and negative terms cancel out and sum will be, managed as 78. सम एज मैनेज्ड एज 78, माने कुछ टर्म जो है प्लस आया तो कुछ टर्म माइनस आया, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, और एक दूसरे से कैंसिल आउट होके वो फिर से समेशन को 78 ही बरकरार रखा। क्या ये बात समझ में आया? प्रिंट कर लीजिए। तुम SN का कोई भी फार्मूला यूज करो, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, चाहे कोई भी, वही आंसर आएगा। अब इसमें तुमको शुरू में मालूम ही नहीं है, सुनो ध्यान से, इसमें तुमको nth टर्म मालूम है इस AP का? तो जब nth टर्म नहीं मालूम है तो दूसरा फार्मूला के बारे में काहे सोच रहे हो? n बाई 2 इंटू ए प्लस लास्ट टर्म जो होता है a प्लस tn वाला, इस फार्मूला के बारे में क्यों सोचेंगे? इसमें हमको लास्ट टर्म दिया ही नहीं है। लास्ट टर्म लिखोगे भी तो वहाँ पे क्या लिखोगे? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जैसे ही तुम a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखोगे तो a और a जुट के 2a होगा, तो फिर से वही फार्मूला n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक ना? देखो इधर, इस चार को टर्म को जोड़े हो तो 78 आया है। बोलो, अब पूरे को जोड़ोगे तो कुछ नेगेटिव टर्म जुटेगा कि वो घटेगा? अरे जब यहां पे प्लस लगाओगे सब, तो यहां प्लस लगाओगे तो वो घटेगा ना, प्लस माइनस माइनस ना होगा। तो जब कुछ टर्म माइनस होगा तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर 13 टर्म ले लोगे तो ये जो 13 जो है, ऐसे कह सकते हैं ना कि जोड़ इस तरह से रह रहे हैं कि 12 और माइनस 12 को जोड़ रहे हैं, कैंसिल आउट, 9 और माइनस 9 को जोड़ रहे हैं, कैंसिल आउट, 6 और 6 माइनस 6 को जोड़ रहे हैं, कैंसिल आउट, 3 और माइनस 3 को जोड़ रहे हैं, कैंसिल आउट। तो इसका 13 को टर्म भी लेंगे तो इतना तो कैंसिल आउट हो ही ना जाएगा कि इतना बाकी रहेगा। तो जब वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमारा तो काम बन गया कि 13 को टर्म लेंगे तो हमारा समेशन 78 रहेगा। हमारा समेशन 78 रहेगा कि नहीं रहेगा अगर हम 13 को टर्म भी ले लिए तो? क्योंकि इसको लेने से और नहीं लेने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बात समझ में आया? लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ गया, तो चार को लेंगे तो इतना का सम जो आएगा, और आगे जो लेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, समेशन हमारा 78 ही रहा, क्योंकि सम टर्म्स विल बी पॉजिटिव एंड सम टर्म्स विल बी नेगेटिव, विल कैंसल आउट टू ईच अदर एंड मैनेज द सम विल बी 78। ठीक है, प्रिंट कर लीजिए।